देश भर में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस अब तक कई नेताओं और मंत्रियों की जान ले चुका है। रविवार को इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने से एक और नेता की जान चली गई। ये नेता थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज और जुझारू नेताओं में शुमार नसीब पठान, जिनका संघर्ष कोरोना वायरस संक्रमण के आगे दम तोड़ गया। उन्होंने मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली, लेकिन मौत से पहले उन्होंने हाथरस के मुद्दे पर आखिरी संदेश रिकॉर्ड कर योगी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला था। उनका यह आखिरी संदेश उनकी मौत के बाद खुद राहुल गांधी ने ट्विटर पर शेयर किया। गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस न जाने देने पर नसीब पठान ने ट्विटर पर वीडियो संदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पर गुस्सा उतारा था। वो राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हुए व्यवहार से नाराज थे। मेरे देशवासियों, आदाब, नमस्कार। आज जिस तरह की बातें हो रही हैं, आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि ना कोई हमारी सीमा में आया है और ना किसी पोस्ट पर उन्होंने कब्जा किया है। इस बात को सुनकर चीन के अंदर उनकी बहुत प्रशंसा हो रही और यहाँ के जो देश के हमारे शहीद हुए हैं, भारत माँ के सपूत, उनके परिवार, उनके घर के लोग क्या महसूस कर रहे हैं। रक्षा मंत्री बताते हैं कि हमारी सीमाओं पे वो लोग आ गए हैं और उन्हें, हमारे लोगों ने खदेड़ा है। उनका विदेश मंत्री अलग बात बता रहे हैं। तो इस देश की जनता को बरगलाया जा रहा है। मैं तो कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी, जब आप विपक्ष में थे और भाषण दिया करते थे, अपने उन भाषणों को सुन लें। नसीब पठान का आखिरी संदेश। नसीब पठान ने योगी सरकार पर बरसते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस की तानाशाही इतनी बढ़ चुकी है कि वो कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष को भी धक्का दे रही है। कोरोना से पीड़ित कांग्रेस के पूर्व विधान परिषद दल के नेता नसीब पठान मेदांता में भर्ती होने के बाद भी सरकार की कार्रवाई से बेहद नाराज थे और उन्हीं पे काम करना शुरू कर दें तो इस देश के अंदर और मजबूती आएगी। हमारा काम है, विपक्ष में है। सोनिया जी ने जब कहा कि विपक्ष के नेताओं को लेकर एक मीटिंग बुलाई जाए, तब सबको बुलाया गया और उसके बाद माननीय राहुल गांधी जी ने जिस इश्यूज को उठाया, उन्होंने कहा, एक महीना पहले ही बताया था कि चीन के लोग हमारी सीमाओं पे घुसपैठ कर रहे हैं और आ गए हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज किया गया। फिर हमारे लोगों को बताया जाता है कि ये पहले जब लड़ाई थी 62 में हुई थी, तो शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, हमारे देश के जवानों ने उन लोगों को घुस घुस कर मारा। उसके बाद उन्होंने पीछे से जब हमला किया, तब हमारी फौजों को परास्त होना पड़ा था। इस पाकिस्तान से हमने लड़ाई लड़ी तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसके दो टुकड़े कर दिए, देश के भूगोल नहीं, विश्व के भूगोल को बदल दिया। तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है देशभक्ति का। हमारे दो दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं इस देश की खातिर। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अपने जितने हमारे देशवासी हैं, कि इस चीज़ को ये माने कि ये किस तरह की बातें करते हैं लोगों को, अब लोग समझने लगे हैं। इधर कोरोना जनता को मार रहा है, उससे बचने के लिए बताया आत्मनिर्भर है, अब आपको खुद ही रहना है। जब इतने केस नहीं थे तो लॉकडाउन कर दिया, और जब केस हो गए हैं तो लॉकडाउन अनलॉक कर दिया। बताना चाहता हूँ, इस देश की हमारी जो शहीदों की माएँ हैं, लिपट कर रोती नहीं कभी शहीदों से, ये हौसला भी हमारी वतन की माओं में है। जय हिंद, जय भारत। नसीब पठान का आखिरी संदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यही वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता, पूर्व विधान परिषद सदस्य और सीएलपी अध्यक्ष नसीब पठान साहब का कोरोना से निधन हो गया।
उनके परिवार को मेरी संवेदनाएं। जाते जाते नसीब पठान ने एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया है, इसे आपके साथ साझा करते हुए उन्हें दिल से श्रद्धांजलि। बिजनौर के रहने वाले नसीब पठान की यूपी के बड़े नेताओं में गिनती होती थी। 30 सितंबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ते हुए उन्होंने 65 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। इससे पहले योगी सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों की भी कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई थी। पिछले महीने अगस्त में ही जहां पूर्व क्रिकेटर और योगी सरकार में मंत्री रहे चेतन चौहान की कोरोना से मौत हो गई थी, तो इससे कुछ ही दिन पहले कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण की भी कोरोना की वजह से जान चली गई थी। भारत में कोरोना की रफ्तार, जब तक लॉकडाउन था तो कोरोना की रफ्तार कम थी, लेकिन मोदी सरकार ने जैसे ही लॉकडाउन हटाया कोरोना वायरस की रफ्तार तेज हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में कोरोना संक्रमित आंकड़े 65,49,300 के पार हो गए हैं। यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना के मामले में भारत से आगे सिर्फ अमेरिका ही है, जहां 72,56,000 से ज्यादा कोरोना केस हैं और 2,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।